हेलो किसान साथियों, नमस्ते। मैं आपका दोस्त वीरेंद्र कुमार। तो आज अपने इस वीडियो के अंदर बात करेंगे एक फंगीसाइड के बारे में। उस फंगीसाइड के बारे में अपने पूरी डिटेल के साथ चर्चा करेंगे, जैसे उसकी टेक्निकल क्या रहते हैं, उसका कार्य क्या रहता है, मोड ऑफ एक्शन क्या रहता है, कौन कौन सी फसलों पर इसका अपने यूज़ कर सकते हैं, छिड़काव कर सकते हैं, और कौन कौन से रोगों को ये ख़त्म करता है, और इसका अपने डोज भी जानेंगे, कीमत भी जानेंगे, सब कुछ अपने इस वीडियो के अंदर जानेंगे। अगर वीडियो लास्ट तक देखोगे तभी आपको जानकारी समझ आएगी प्रॉपर, अन्यथा आपको जानकारी समझ नहीं आएगी। तो सबसे पहले मैं इसका आपको नाम बता देता हूं। इसका नाम जो ताकत है, ताकत एक टाटा रेलिज कंपनी का एक फंगीसाइड है। इसके अंदर जो टेक्निकल की बात करें तो अपने इसके अंदर जो टेक्निकल पाया जाता है कैप्टन 70% प्लस में हेक्साकोनाजोल, 5% अपने वेटुअल फॉर्म के अंदर आता है। वेटुअल फॉर्म के अंदर मतलब एक पाउडर फॉर्म के अंदर आते हैं, जो बारीक पाउडर फॉर्म के अंदर आते हैं। अब अपने इसके कार्य के ऊपर बात करते हैं, यह फसल के ऊपर कार्य किस प्रकार करता है। फसल पर यह अपने कवच बना लेता है, सुरक्षा कवच बनाने से जो जिसके फंगस के अपने माइसीलियम होते हैं, बीजाणु होते हैं, उनको अपने यह संपर्क नहीं आने देते और अपने फसल को सुरक्षित अपने कवच के रूप में रखते हैं। ये कवच के रूप में कार्य करता है। अब अपने इसका मोड ऑफ एक्शन जान लेते हैं। ये कॉन्टैक्ट प्लस में अपने सिस्टमैटिक फंगीसाइड है। कॉन्टैक्ट मतलब जिसके ऊपर ये अपने फंगस के ऊपर कॉन्टैक्ट में आ गया तो उसको भी किल कर देगा, और अपने सिस्टमैटिक है ये जो फंगस के अपने सिस्टम में जाके और उसको अपने खत्म कर देते हैं, और प्लांट के ऊपर अपने छिड़काव करने से प्लांट के पूरे सिस्टम में फैल जाते हैं और अच्छे से कार्य करते हैं। अब अपने जान लेते हैं कौन कौन सी फसल पे इसका अपने छिड़काव कर सकते हैं। जैसे अपने कॉटन हो गया, कॉटन कपास, अपने चिल्ली हो गया, मिर्च होगी अपने, और गेहूं हो गया, राइस हो गया, सब्जी वर्गीय जितनी भी फसलें हैं, जैसे गुलाब हो गया अपने, और फल वाली और फूल वाली जितनी भी अपनी क्रोपें हैं, इसके ऊपर अपना शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। अब अपने जान लेते हैं ये कौन कौन से रोगों को ये खत्म करते हैं। तो मेनली अपने बात कर लेते हैं, जैसे कॉटन है, कपास है, उसके ऊपर अपने मेन समस्या आती है बिल्ट की आती है, जो पेरा बिल्ट आती है, इसके ऊपर अपने करना क्या है, इसका घोल बना के अपने ड्रेंचिंग देनी है पौधों के अपने पास में, ड्रेंचिंग करनी जड़ों के पास में, आपको अच्छा और शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये अपने नर्सरी टाइम के अंदर पौधे के अपने डंपिंग ऑफ पे अपने डिजीज आती है, जैसे पौधा छोटा पौधा होता है वो प्लांटिंग के टाइम अपने मुरझा जाते हैं, उस टाइम इसको अपने ड्रेंचिंग देके पौधे को अपने ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, तो वो अपने मेनली इसके अंदर डंपिंग ऑफ की समस्या को भी खत्म कर देते हैं। अब अपने कणक की बात कर लेते हैं, गेहूँ की बात कर लेते हैं। गेहूँ के अंदर अपन 3-4 प्रकार की रस्ट आती है और अपने रोलियाँ भी आती है। रस्ट के मतलब जैसे येलो रस्ट आ गया, व्हाइट रस्ट आ गया और ब्लैक रस्ट आ गया, ये इसके ऊपर अपना शानदार इफेक्टिव रिजल्ट दिखाती है। और अपने बात कर लेते हैं सरसों के अंदर बात कर ले, व्हाइट रस्ट आती है, सफेद अपने रोली आती है, उसको भी अपने ये खत्म कर देते हैं। इसका अपने सीड ट्रीटमेंट भी यूज कर सकते हैं, और अपने पाउडरी मिल्ड्यू हो गया, डाउनी मिल्ड्यू हो गया, और अपने जितने भी क्रोप हैं, सब्जी वर्गीय फसलें हैं, उनके ऊपर भी अपने इसका यूज कर सकते हैं, और बैक्टीरिया बिल्ट को भी अपने ये रोक देते हैं, और एंथ्राक्नोज हो गया और डंपिंग ऑफ हो गया इनके ऊपर, और लीफ ब्लाइट, लेट ब्लाइट, इनके ऊपर शानदार इसके रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अब अपने जान लेते हैं इसकी जो अपने डोज क्या रखनी है, प्रति ग्राम और प्रति एकड़ के हिसाब से आपको मैं डोज इसकी बता देता। अगर पानी के हिसाब से बात करें तो अपने 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से इसका डोज रखना है, और 200 ग्राम अपने 100 लीटर पानी में इसका घोल बना के अपने इसका यूज कर सकते हैं। और पानी की मात्रा अपन ज़्यादा रखनी चाहिए जिससे अपना अच्छा घोल बन जाए। अगर अपने ध्यान क्या देना है, इसको घोल बनाते टाइम इसका अलग घोल बनाना है, अगर बाल्टी के अंदर अलग मिक्सर बना के अलग घोल बना के, और फिर अपने जो पंप के द्वारा इसका छिड़काव कर सकते हैं। आज के लिए बस इतने ही, मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।